हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फिजिक्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहित पुनिया और ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है, इसके बाद क्या बोलते हैं वो आपको बताना है दोस्तों। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा चैप्टर है, क्या करना है, सब ए टू जेड एबीसी बताई जाएगी इस चैप्टर की। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चे और वन शॉर्ट वीडियो खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथी लगे, बट सिर्फ थ्योरी ही ज्यादा है इस चैप्टर की। क्वेश्चन तो हलवा है हलवा, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं दोस्तों, इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। स्कोरिंग चैप्टर होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इस चैप्टर में होता है, टर्मिनोलॉजी क्या है इस चैप्टर की, जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट डाटा के बारे में पढ़ेंगे बेटा। डाटा क्या चीज होती है, डाटा, एक बहुत ही बड़े आदमी ने कहा था कि इन दिस जनरेशन डाटा विल बी न्यू पेट्रोलियम, मतलब कि इतना पैसा कमा के देगा आपको डाटा जितना पेट्रोल ने कमा के दिया था, ठीक है, किसी जमाने में। अभी भी रेट तो शतक के पार है, मेरा होम टाउन जो है वहां पे पेट्रोल रेट्स जो है 100 टच कर चुका है दोस्तों, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सबसे महंगी जगह रहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अभी आप क्या है, अभी आप फाउंडेशन क्लासेस में हो, ओके, अब धीरे धीरे आप जॉब करोगे, मतलब 11th-12th में जाओगे फिर जॉब करोगे, इंडिया का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। अब क्या होता है कि आपको वेरियस स्टडीज करनी पड़ेगी, किस चीज की स्टडीज, वेरियस डाटा की स्टडी करनी पड़ेगी। वही चीज कैसे स्टडी करनी है, उसके बेसिक्स क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या है ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, अभी हमें तो यही नहीं पता सर डाटा क्या होता है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। क्यों हमें ये डाटा चाहिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या फायदा है, क्यों इस डाटा को इस वे में रिप्रेजेंट करना, सब चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट की रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात की जाएगी दोस्तों। देन वी विल टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बार ग्राम, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इस चीज की बात की जाएगी। देन वी विल टॉक अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले साल इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए क्या होता है, डे टू डे लाइफ में आपके पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि लेट अस अज्यूम टेक एन एग्जांपल, स्कूल में बैठे हैं हम, स्कूल जो कि स्टार्ट नहीं हुए अभी तक सर, अरमानों पे पानी फेर दिया, कितने मजे आते थे सर स्कूल जाते थे, तो वो दिन याद आ रहे हैं जब, मतलब टेल मी, मतलब कि आपको क्या स्कूल डेज के क्या चीजें मिस किया आपने इस लॉकडाउन पीरियड में, बहुत बड़ा लॉकडाउन पीरियड जो हुआ उसमें आपने स्कूल की क्या चीजें मिस की, या फिर घर पे मस्ती करते रहे, तो प्लीज बताइएगा मुझे, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। फिर मैं भी अपने कॉलेज की कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा आपको और इंटरेस्टिंग आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी में अभी कितना फन बचा हुआ है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, अभी स्टार्टिंग हुई है, जितना अच्छा कॉलेज होगा आपका उतना ज्यादा फन होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम्स, कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए, टेंथ में कैसे पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि अभी सिर्फ आप अपने माइंड में ये रखिए कि अभी से मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं तो मैं 11th-12th में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे कॉलेज में जाऊंगा या जाऊंगी। क्यों, उसका रीजन सिंपल है कि जितना अच्छा कॉलेज उतना ज्यादा फन दोस्तों, जितना बेकार कॉलेज ना उतनी ज्यादा पढ़ाई और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज इज इक्वलेंट टू अच्छी पढ़ाई एंड मस्ती फन, और बुरा कॉलेज इज बुरी पढ़ाई एंड कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मस्ती तो छोड़ दो भूल जाओ, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेटा। तो इस चैप्टर में हम, जैसे मैं क्या बता रहा था आपको कि कोई स्कूल में है हम, तो हमें स्कूल में जनरली क्या बोला जाता है कि ये मार्क्स हैं, ये बच्चों के मार्क्स हैं 10, 15, 5, 7, 9, 10, 15, ऐसे अगर
जो रैंडम नंबर्स लिख दें, आउट ऑफ 20 पेपर था, तो ये रैंडम जो नंबर लिख देते हैं इसको हम स्टडी करने के लिए, इसी चीज, इन रैंडम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। हमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मार्केट में जाते हैं तब भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि इस रेट की इतनी चीजें हैं, इस रेट की इतनी चीजें हैं, ये जो है यहाँ पे इतने व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। इस चैप्टर में हम डाटा से ही डील करेंगे। देखो डाटा को जितनी अच्छी तरह से आप समझ सको उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उस डाटा से निकाल पाओगे। तो वी विल टॉक अबाउट, देखिए ध्यान से, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट हो सकते हैं, फिगर हो सकती है, न्यूमेरिकल टेबल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हो सकते हैं। ये सब चीजें आपको क्या बता रही है, ये डाटा है बेसिकली। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच वी कलेक्ट फॉर अ सर्टेन पर्पस। किसी पर्पस के लिए सिलेक्ट किया जाता है डाटा को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डाटा लेते हैं, सेंसेक्स डाटा लेते हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन के बारे में पता लगे, या फिर जैसे कोविड के टाइम हमें डाटा चाहिए था बहुत बड़ा, तो ये सारे क्या है, डाटा, हेल्पफुल डाटा होते हैं, तभी किसी पर्पस के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। डाटा इज अ प्लूरल वर्ड जिसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी है ये इतना पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये यहाँ पे बेसिक्स लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे कर सकते हो आप, क्यों करते हो? देखो इस चैप्टर में मैं आपको बोलूंगा ज्यादा, लिखा भी ज्यादा होगा, सॉल्व कम करना है, और पेपर में क्या आता है, सॉल्व करना आता है, लेकिन आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं है कि इस चैप्टर में तो अगर आप पेन ना उठाओ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है बेटा, जो डाटा आपने इकट्ठा किया, जैसे रैंडमली मैं घर घर जाके डाटा इकट्ठा किया मैंने, और मैंने उसी डाटा को वैसे ही किसी अगले बंदे को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज द प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस बाय अ ग्रुप और इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इज कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वही क्या है, प्राइमरी डाटा है। उसको मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, उसका मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, उसका मैंने कोई मतलब उससे कोई मैंने इंफॉर्मेशन नहीं निकाली, उसी बेसिक चीज को हमने क्या बोल दिया, ये हमारा बेसिक डाटा है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से कलेक्ट किया, विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, द डाटा थस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। जैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया और मैंने वो डाटा किसी कंपनी को प्रोवाइड किया, तो जो कंपनी ले रही है दैट इज द सेकेंडरी डाटा, विच आई कलेक्टेड इज द प्राइमरी डाटा। डिफरेंस आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोर्स है, सोर्स से डायरेक्ट डाटा अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं, अगर हम सोर्स से डायरेक्ट डाटा ले रहे हैं दैट इज प्राइमरी डाटा। ठीक है, जैसे सेंसेक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टोर्ड वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटीजन ऑफ द कंट्री, और वो डाटा अगर आप लेते हो तो फिर वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट दोस्तों आइए, अब इस डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है सर, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो मेरे नन्ने नन्ने मुन्ने मुन्ने बच्चों आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसका क्या करें सर, अचार थोड़ी ना डालना है, उससे इंफॉर्मेशन क्या क्या और निकाल सकते हैं वो समझना है। उसके लिए उस डाटा को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहला मेथड डाटा निकालना, कैसा डाटा होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, पढ़ लिया, अब क्या करें सर, अब उसको प्रेजेंट करेंगे डाटा। ऐसे तो है नहीं कि सामने वाले को सीधा, वैसे भी दे सकते हैं, सीधा भी दे सकते हैं, तो किस किस वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रो डाटा, क्या है, व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड इट इज टू बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ विच कैन बी इजिली एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। इजिली एनालाइज कर लें उस डाटा को, इसीलिए हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक मोटिव याद रखिएगा, जिंदगी का मोटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है, सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकालनी है, और इंफॉर्मेशन ही बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। तो फेसबुक व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं, वो डाटा ही तो ले रहे हैं, और उसी के दम पे तो
पैसा छाप रहे हैं दोस्तों, ये आपको तो समझ में कम आएगा, लेकिन बड़ी बड़ी डील्स हैं ये, बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े लोग हैं ये। चलिए उसके बाद छोड़ते हैं। तो हम डाटा की बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात कर रहे थे, तो एंड इंफॉर्मेशन, अब हम रॉ डाटा की बात कर रहे हैं। एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस इन एनी मैनर इज टर्म्ड एज रॉ डाटा। उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कलेक्ट किया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रॉ डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट्स की बात कर रहे हैं 11 हॉकी प्लेयर्स की, तो देखिए 152, 154, 154, 152, 153। रैंडम मैंने एक बंदे को बुलाया, उसे पूछा तेरी हाइट क्या, लिख ली हाइट, सबके 11 प्लेयर्स की हाइट रैंडमली मैंने लिख दी, कुछ भी नहीं बोला, उसको हमने क्या बोल दिया? रॉ डाटा। सेकेंड इज बेटा डाटा प्रेजेंटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यही डाटा था बेटा, इसको मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। देखिए इसका फायदा क्या होगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सबसे कम हाइट वाला लड़का कौन सा है या प्लेयर कौन सा है, तो मैं डायरेक्टली अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो मैं इजिली बता पाऊंगा। अगर रो डाटा हो तो रो डाटा में मुझे सर्च करना पड़ेगा, अच्छा 152 सबसे कम है, अच्छा 154, नहीं, अच्छा, 152, अच्छा, तो मेरे को सारे डाटा चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि कब से सबसे कम किसकी हाइट है, सबसे ज्यादा कितनी हाइट है, ये बता सकते हैं। इसीलिए देखो डाटा को कितने इजिली हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाए, वही उसी के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? मैंने बोला अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले तो समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अनग्रुप्ड का मतलब तो आपको पता है कि जिसकी ग्रुपिंग ना की हुई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी फ्रिक्वेंटली वो डाटा रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 10 डाटा इलेक्ट किए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुछ डाटा सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे को पता है कि इसमें वन वन है, तो वन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसका मतलब वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। अगर उसी डाटा में 5 5 5 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 बार। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कितनी बार डाटा रिपीट कर रहा है, उसी चीज को हम क्या करें? फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अनग्रुप्ड का मतलब जो ग्रुपिंग ना की गई हो, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको पता लग गया कि हाँ डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने क्या दे रखा है, 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और टेस्ट कंडक्ट किया, और उनके मार्क्स जो थे ना वो 50 में से ऑब्टेन थे, वो उसने नोट किए। ये सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, देखिए यहां से 10 10 15 25 30 35 40 45 50, ऐसे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे देखो 10 यहां पर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे देखो 10 रिपीट हो रहा है, और भी जगह बहुत सारे 10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यू कैन से 40 भी रिपीट हो रहा है। जैसे ही देखो 40 रिपीट हो रहा है, 40 40 बहुत सारे नंबर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ये रहा 40, देखो ये रहे 40, ऐसे बहुत बार 40 आ रहा है। तो वी कैन से कि सर इनको बार बार लिखने की बजाय, या तो इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, उससे भी फायदा हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगा इसी चीज को बच्चे, मैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने देखा कि यहां पे सर 10 है, 15 है, 25 है, 20 है, 30 है, 35 है, एंड सो ऑन। मतलब कि 5 7 नंबर ही हैं, जैसे 25 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इतने ही नंबर हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो मैंने क्या किया बेटा, इसी डाटा को लिख दिया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 10 15 20 25 30 35 40 45 50, एक टेबल बना दिया, ऊपर लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50। क्यों? देखिए समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पे 10 जो था वो कई बार आ रहा था, मैंने गिना कितनी बार आ रहा है, और वहां पे मार्क कर दिया 1 2 3, 3 बार 10 आ रहा है, 15 4 बार आ रहा है, 20 4 बार आ रहा है, 25 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम 6 टाइम 6 टाइम, 4 टाइम 1 टाइम, और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी लिख दी 3 4 6 4 6 6 6, इन्हीं की क्या लिख दी? फ्रीक्वेंसी लिख दी। समझ में आया? क्या किया देखो, रेदर देन स्टडिंग दिस डाटा, इट इज इजियर टू स्टडी दिस डाटा। अगर मुझे कोई ये टेबल बना के देता तो मैं कहता वाह बेटे वाह,
मौज करा दी तूने, अच्छा कर क्या तूने ऐसे बना के दे दिया, ताकि मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि 10 3 बच्चों के आए हैं, 50 1 स्टूडेंट का आया है, हाईएस्ट भी पता लग गए, लोएस्ट भी पता लग गए, और ये भी आइडिया लग गया कि किसके कितने, मतलब कि फॉर एग्जांपल 25 30 35 40 कितने बच्चों के आ रहे हैं, सब पता लग गया. रेदर देन अंडरस्टैंडिंग दिस डाटा, इट इज इजियर टू रिप्रेजेंट दिस डाटा. अब आप समझ रहे होंगे, देखो मैंने रॉ डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको डाटा को मैंने क्या किया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, कोई बात नहीं. लेकिन अब मैंने और इजियर वे में इसका क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया अनग्रुप्ड डाटा का. अनग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ, मेरे को पता है कि 10 नंबर किसका आया, ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे कोई. ठीक है सर, समझ में आ गया. अगर अनग्रुप्ड की बात हो रही है सर, तो फिर ग्रुप्ड की बात भी होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं. तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब ग्रुपिंग करनी है और कब नहीं करनी, तो पहली तो इजी सी बात, क्वेश्चन में लिखा होगा. अगर नहीं लिखा होता है तो सर हम सिर्फ पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं सर, हम किसके लिए कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं. आप हमें बताइए कैसे करोगे. तो बेटा सिंपल सी बात है, देखिए पिछले डाटा में क्या हुआ था, हमें 10 10 10 25 25 25 30 30 30 बहुत कम नंबर्स थे. कितने नंबर थे, 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इतने ही नंबर्स थे. लेकिन अगर मेरे पास कोई डाटा, ऐसा कोई डाटा आया था जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे आता रह रहा बेटा डाटा, बहुत सारे आ रहे हैं 16 17, तो ये थोड़ी ना करूंगा कि मैं टेबल बनाने लगूं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मैं ऐसे टेबल नहीं बनाऊंगा. क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा. देखिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर ऑफ थिंग्स कम है, आओ समझते हैं कि डाटा अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स कम है, तब हम क्या करते हैं, सिंपल अनग्रुप डाटा बना देते हैं. लेकिन अगर नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा है, जैसे इसमें देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 8 9 10 11 12 सारे हैं अप टू 24, तो 24 थिंग्स है, तो मेरा टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रुपिंग कर ली. अब ये ग्रुपिंग क्या की, मैंने बोल दिया आपको ग्रुपिंग के लिए कि सर देखो ध्यान से, एक ग्रुप बना दिया 1 से 5 का, अगला ग्रुप बना दिया 6 से 10 का, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, ऐसे सारे ग्रुपिंग्स बना दी मैंने. और इन ग्रुप के अंदर मैंने देख लिया कि 1 to 5 कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. यहां से सिर्फ आपको ये आइडिया लगेगा कि 1 to 5 के अंदर कितने नंबर है, आपको ये आइडिया नहीं लग सकता दोस्त कि कौन से नंबर है. देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, आपको समझना पड़ेगा कि कितने कितनी फ्रीक्वेंसी, ये तो पता लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा क्या था वो आप नहीं बता सकते. तो थोड़ी सी इसमें ये दिक्कत हो गई, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किसको इंफॉर्मेशन चाहिए, सामने वाले बंदे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं हम कि ग्रुपिंग करें या ना करें. तो दोनों चीजें हैं, पहली नंबर ऑफ थिंग्स कितनी ज्यादा है, और दूसरी कि सामने वाले को कैसा डाटा चाहिए. उसको डाटा ऐसा चाहिए कि 1 1 हो, नंबर्स हो, तभी मेरे को फायदा है, या उसको ये पता लग जाए कि 1 to 5 वाले में कितने बच्चे हैं, 5 to 6 to 10 वाले में कितने बच्चे हैं. तो ये सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं. तो ये ग्रुपिंग ऑफ डाटा होता है, ग्रुपिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसमें भी देखिए ध्यान से पढ़ लेते हैं, व्हेन द डाटा हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, एंट्रीज जो है वो ज्यादा है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अलग अलग डिस्टिंक्ट, इट इज कन्वीनियंट टू प्रेजेंट दिस डाटा इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स रैदर देन प्रेजेंटिंग देम सेपरेटली, अलग अलग. यही मैं समझाने की कोशिश करता इजी भाषा में, और यहां पर आपको लिखा हुआ है. These groupings are called as classes of the data. ये जो grouping की जाती है, जैसे 1 to 5 जो group था, उसको हम क्या बोलते हैं? Class of the data, ठीक है? The number of entries of the data having their values lying in a class, जैसे 1 से 5 के बीच में ये सारे number आएंगे. क्या ये आएगा? अभी इसकी बात करेंगे. 5 आएगा या नहीं आएगा उसकी बात करेंगे. Lying in a class defined as the frequency of that class. उसकी frequency बताया जाता है, उसकी repetition बताया जाता है, ठीक है सर. And is called as a frequency distribution table of the given data. अब इसमें भी क्या होता है बेटा, दो type के data होते हैं. कौन कौन से? Inclusive method
एंड एक्सक्लूसिव मेथड. इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब ये डिसकंटिन्यूअस क्या है और ये कंटिन्यूअस क्या है, ये सब चीजें हम डील करेंगे. तो आइए पहले बात करते हैं इंक्लूसिव की. इंक्लूसिव का मतलब जो इंक्लूड करके चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ रो डाटा. उसने ये डाटा कंसीडर किया, ये डाटा आपने देखा है. अब देखिए ध्यान से, उसने क्या किया, देयर आर 40 एंट्रीज और उसने ग्रुपिंग कर दी 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके 20 तक, 21 से लेके 24 तक. ये उसने ग्रुपिंग की 1 टू 5, 6 टू 10, 11 टू 15, 16 टू 20, 21 टू 25. और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी देखो, 1 टू 5 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, फ्रीक्वेंसी 7 लिख दी. सिमिलरली 21 टू 24 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 एंड 3 8 8 लिख दी. तो उसने क्या किया, इंक्लूसिव में सारे इंक्लूड करके लिख दिए. लेकिन गड़बड़ी कहां हुई, गड़बड़ी यहां हुई बेटा कि ये डिसकंटिन्यूस हो गया. जैसे 1 टू 5 तो चला, लेकिन किसी के अगर कोई ऐसा डाटा हो, अब देखो यहां पे डिसकंटिन्यूस आ रही है कि 5 के बाद सीधा 6 जा रहा है यहां पे. ऑल्दो 5 के बाद 6 ही आएगा, लेकिन अगर नंबर 5.5 किसी के आते तो दिक्कत हो जाती. तो ये क्या कह रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी हो रही है. डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि यहां तो 5 आ रहा है और 6 आ रहा है तो कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं. अगर यहां 5 आ रहा है तो फिर 5 से 10 ही लिखो अगला, जो इसको यहां पे एंड कर रहा है वही यहां से स्टार्ट करे, तब तो कंटिन्यूस होता. जब स्टार्ट नहीं कर रहा तब उसको हम डिसकंटिन्यूस बोल देंगे. एक इंपॉर्टेंट बात, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, 1 इज द लोअर लिमिट, 5 इज द अपर लिमिट, 6 इज द लोअर लिमिट, 10 इज द अपर लिमिट. ठीक है सर, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बना दिया, लेकिन ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है कि सर यहाँ 5 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो जो 5 से 6 के बीच में अगर कोई नंबर होता तो हम कैसे लिखते. ठीक है सर, तो उसको समझने के लिए हमने क्या बोल दिया, एक्सक्लूसिव मेथड बोल दिया. अब ये क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने क्लासेस क्या लिखी यहां से 0 to 5, उसी डाटा की क्लासेस 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25. अब देखिए ध्यान से, जो 5 पे खत्म हो रहा है वहीं 5 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है 15 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से खत्म हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और यू कैन से कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है. और सर एक और डाउट है हमें कि सर जो 5 है, 5 जो डाटा था वो किसके अंदर जाएगा, क्योंकि 0 टू 5 में भी 5 आता है और 5 टू 10 में भी 5 आता है, तो 5 डाटा किसके अंदर जाएगा. तो बेटा बाय कन्वेंशन 5 जो डाटा होता है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा. ऐसा क्यों, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट क्या है, 5 है, तो अपर लिमिट वाला डाटा उसके अंदर नहीं आता है, लोअर लिमिट वाला डाटा उसी क्लास के अंदर आता है. ये मैथमेटिक्स में हमें कन्वेंशन लेना पड़ता है. ठीक है सर, अब तो वी कैन से लोअर लिमिट एंड लेस देन द, देखो यहां पे देखिएगा क्लासेस को करा, देन इन ईच क्लास वी काउंट द एंट्रीज विच हैव वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर लिमिट एंड लेस देन द अपर लिमिट. यहां पे उसने नहीं लिखा कि लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट, उसने क्या लिया, लेस देन अपर लिमिट, तो अपर लिमिट से कम ही डाटा. तो बाय कन्वेंशन क्या हो गया कि अपर लिमिट वाला डाटा हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और ये कंटिन्यूस फॉर्म इन्होंने बना दिया और फ्रीक्वेंसीज सेम उसी वे में. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, द अबव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस बिकॉज एंट्रीज हैविंग वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो and less than 5 are counted in the class 0 to 5. Similarly, the values 5 will be counted, included in the next class. यही मैं आपको समझा रहा था. तो mark my words की जो by convention हम क्या लेते हैं, upper limit वाली value next में लेते हैं, that is next data में. तो कई बच्चों को और भी doubt आएगा, उसको भी मैं cover करूंगा. ठीक है,
डाटा हैविंग वैल्यूज बिटवीन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास नेक्स्ट क्लास डज नॉट गेट अ प्लेस इन द टेबल इन डिसकंटिन्यूस। वही मैंने आपको बताया था कि 1 to 5, 6 to 10 वाले में क्या दिक्कत आ रही थी कि 5 के बाद और 6 से पहले वाले डाटा उस टेबल में नहीं आ रहे थे, तो इसी के लिए हमने क्या किया, कंटिन्यूस कर दिया। तो कंटिन्यूस का स्लाइड एडवांटेज रहता है किसके ऊपर, किसके ऊपर बताइए दोस्तों, ऑब्वियसली सर सॉरी कंटिन्यूस का स्लाइड एडवांटेज रहता है डिसकंटिन्यूस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इफ अगर मान लो एक डिसकंटिन्यूस दे रखा है उसको आपको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे ये समझिए। इफ वी हैव अ डिसकंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन विच द स्पेस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्लासेस इज यूनिफॉर्म, दो कंसेक्यूटिव क्लासेस के बीच में स्पेस अगर यूनिफॉर्म है एंड इक्वल टू द वैल्यू 2h, लेट अस अज्यूम 2h के बराबर है, देन बाय एडिंग h टू द अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्टिंग h फ्रॉम द लोअर लिमिट ईच क्लास विल बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूस। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा है, बिल्कुल सही डिसकंटिन्यूस है सर, 10 से खत्म हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, डिसकंटिन्यूस है। इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो 10 और 11 के बीच में कितना गैप है, 1 यूनिट का गैप है सर, तो 1 यूनिट का जो गैप है उसको 2h को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 1 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/2i। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट से, अपर लिमिट में h जो आया वो ऐड कर दूंगा और लोअर लिमिट से h को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए जैसे ध्यान, यहां से 1 से 10 है तो अपर लिमिट में क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लोअर लिमिट यहां 11 था उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपर लिमिट में ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड। इससे क्या फायदा हुआ, 10.5 पे खत्म हो रहा था, 10.5 से स्टार्ट हो रहा है सर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका जो था कौन सा था, डिसकंटिन्यूस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो कंटिन्यूस पे। क्या फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज आया, नहीं फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सर इसने यहां पे 5 लिखा है इसका मतलब 1 से 10 के बीच में डाटा होगा, और यहां पे भी 5 लिखा है इसका मतलब यहां पे भी तो 1 से 10 के बीच में हुआ तो 0.5 से 10.5 के बीच में तो होगा ही। बिल्कुल सही सर, जो 11 से 20 के बीच में है वही डाटा 10.5 से 20.5 से बीच में तो हो गए। ये वही वाली बात आ गई दोस्त, क्या कि आपके पापा आपसे बड़े, आपके दादाजी आपके पापा से बड़े, तो क्या आपके दादाजी आपसे बड़े, ऑब्वियसली सर ये वही बात है कि दो क्वांटिटीज के बीच में है, उन दोनों क्वांटिटीज को और बड़ा कर दिया, मतलब स्पेस ज्यादा बड़ा कर दिया, तो बीच वाली क्वांटिटी तो बीच में ही रही ना, क्या दिक्कत, तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होगा। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है बेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और क्या डाटा दे रखा है, देखिए डाटा को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अनग्रुप्ड बनाना है, ठीक है सर अनग्रुप्ड बना देंगे, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, मैंने देखा यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 14 है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है, ठीक है सर, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख लूंगा यहाँ पे नंबर 4, 6, 8, 10 और 14, अगर 12 भी है तो आप 12 भी लिख लोगे, और इस साइड आप क्या लिख लोगे, फ्रीक्वेंसी, या फिर आप टैली मार्क्स वाला भी बना सकते हो, टैली मार्क्स भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब मैं गिन लूंगा कि 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 4 इज रिपीटिंग 3 टाइम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई सर। सिमिलरली 6 को रिपीट करना है, 6 को गिन लेते हैं हम, देखिए ध्यान से 6 को गिनने के लिए कैन आई से 1 2 3 4, 6 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम। सिमिलरली 8 को गिन लूंगा, सिमिलरली 10 को गिन लूंगा, सिमिलरली 4
14 को काउंट कर लेंगे तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। मैंने देखा कि डाटा क्या है, डाटा ज्यादा वेरी डिस्टिंक्ट डाटा नहीं है, 4, 6, 8, 10, 12 ही डाटा रिपीट हो रहा है, तो मैंने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यूजिंग द अबव टेबल प्रिपेयर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंटिन्यूअस बनाना है और वो तो मैंने आपको सिखाई दिया। 35 और 36 में गैप कितना है, 1 यूनिट का। आप आगे भी देख सकते हो, देखो 50 और 51 में भी 1 है, 60 और 61 में भी 1 है, तो वी कैन से गैप सर कितना है, 1 का। तो 2h किसके बराबर हुआ, 1 के। तो h किसके बराबर हुआ, हाफ के। अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें ऐड करते जाइए तो डाटा क्या आ जाएगा, देखो यहीं लिख देते हैं, 30.5 to 35.5 अपर लिमिट में ऐड करिए, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करिए, 40.5 to 45.5 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका डाटा कंटिन्यूस हो जाएगा सर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब आता है रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का खेल। देखिए ध्यान से, ऐसा नहीं होता कि देखो डाटा छोटा सा हो, डाटा जब आप कंपनीज में स्टडी करोगे तो बहुत बड़े बड़े डाटा होंगे, तो उन बड़े बड़े डाटा को आप ऐसे फ्रिक्वेंसी टेबल में ऐसे थोड़ा लिखोगे, 10,314 फ्रिक्वेंसी है, ऐसे नहीं लिखोगे, या दूसरे की 11,149 फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना लिखोगे, क्योंकि डाटा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा है कि उसमें वैल्यूज इजिली समझ में आ जाती है। हम देखो काम को ईजी करने की साइड जा रहे हैं, टफ काम हमने पहले कर लिया, रो डाटा से डील कर लिया, रो डाटा को कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, अब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। द मेन फीचर ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इजिली प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सच एज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्सेट्रा, और भी होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है सर, आइए देखिए बार ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इजी है, कुछ नहीं है बेटा, सस्ती सी चीजें हैं, इजी इजी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आपके आगे का फ्यूचर अच्छा हो सके, देश का भविष्य तो आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय अ सीरीज ऑफ बार्स, बाय अ सीरीज ऑफ बार्स। By a series of bars of uniform width standing on a same horizontal base line with equal spacing between the bars. Equal spacing होती है bars के बीच में, एक horizontal line होती है। अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, जैसे कि देखिए एक example लेते हैं। यहाँ पे क्या है, खर्चे बता रखे हैं, rent का, grocery का, education का, transport का और miscellaneous का। Okay? आप मुझे बताइए कि ये कौन सा डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है। एक्सपेंडेशन, एक्सपेंडिचर बता रखा है बेटा, 5, 7, 3, 2, 4, 4,000, 2,000, 3,000 ऐसे डाटा बता रखा है। तो देखिएगा ध्यान से, इसी चीज को मैंने एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने जो खर्चे हैं, कौन से टाइप का खर्चा है वो लिखा है, हेड्स लिखे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 तक थे, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 5,000। और सबसे पहले रेंट का कितना खर्चा है, 5,000, बड़ी सस्ती जगह रहते हैं तो 5,000, ठीक है। देन ग्रोसरी का 2,000, तो ग्रोसरी के 2,000। देखो ये जो डब्बा है, ये तो बार्स हैं, ये सारे क्या है, इक्वल विड्थ के रेक्टेंगल्स हैं। तो अब मेरे को कोई डायरेक्टली ये पिक्चर दे दे, तो मैं इस पिक्चर को देख के डायरेक्टली बता सकता हूं कि इस बंदे का 5,000 रुपए रेंट है, 2,000 रुपए ग्रोसरी का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट पे भी 2,000 है, एजुकेशन पे 3,000 है, एंड एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो 4,000।
तो ये डाटा को मैंने स्टडी कर लिया, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना होता तो भी, तो इसलिए बार ग्राफ हेल्पफुल होते हैं। अब हिस्टोग्राम आ जाता है बेटा। बार ग्राफ में क्या था कि स्पेसिंग होती है, हिस्टोग्राम में ऐसी कोई स्पेसिंग नहीं होती। फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क माय वर्ड्स, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड हैविंग देयर विड्थ्स इक्वल टू द विड्थ ऑफ द क्लासेस एंड हाइट सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। ये क्या आया समझ में नहीं आया, देखिए ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि विड्थ तो सेम रखेंगे हम, लेकिन जो हाइट है ना, हाइट है वो ऊपर नीचे होगी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो जो एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ तो सेम है, विड्थ तो सेम है, हाइट जो है वो चेंज हो रही है, मतलब लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। वो चेंज क्यों हो रही है, फ्रीक्वेंसी के लिए चेंज हो रही है। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा एरिया, तो वही आपका वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसीज जो जिसका रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसीज के। जिसकी ज्यादा एरिया उसका ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि उसकी लेंथ या हाइट जो है वो ज्यादा हो गई। सर ठीक है, सर आप मुझे बता दीजिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वी शैल ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 4, 6, 2, 5, 3, ओके सर समझ में आ गया। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, इसी चीज को मैंने विदाउट एनी गैप्स एक हिस्टोग्राम बना दिया। देखिए 10 टू 20 में फ्रीक्वेंसी कितनी थी दोस्तों, 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रख दी, 4। अब अगर इसका एरिया निकालूंगा तो देखो देखो ध्यान से, ये कितना है, 10 यूनिट, ठीक है, और हाइट कितनी है, 4 यूनिट, तो एरिया कितना है, 40। अगले की 20 टू 30 की विड्थ कितनी है, 10 यूनिट इंटू हाइट कितनी है, 6, तो एरिया कितना है, 60। तो ऑब्वियसली 40 और 60 दो एरिया आए, आपको ये समझ में आ गया, जिसका एरिया ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि किसी की फ्रीक्वेंसी 40 है और दूसरे की, सॉरी, किसी का एरिया 40 है और दूसरे का एरिया 60 है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा एरिया हुआ सर, तो 60 वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वो हमें दिख भी रहा है। सिमिलरली वी कैन से ये क्लास होगी, ये क्लास होगी, ये क्लास होगी, तो वी रिप्रेजेंट दिस इन अ टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है सर, इसमें एक्स एक्सिस पे क्लासेस हो जाएंगी और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। ठीक है सर, लेकिन सर एक चीज बताइए मुझे, चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन विच क्लासेस आर कंटिन्यूअस फॉर्म बट देयर विड्थ आर नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तो आपने विड्थ बोल दिया, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म थी। अगर विड्थ यूनिफॉर्म ना हो जैसे कि, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी विल प्लॉट द क्लासेस अलोंग द एक्स एक्सिस टेकिंग वन यूनिट लेंथ एज 10 यूनिट्स, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आर प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस by selecting a unit of height according to the requirement, जो requirement होगी उसके according। अब वो requirement क्या है कि height of the rectangle corresponding to a class, उस height को हम कैसे निकालेंगे बेटा, कि frequency of class divided by width of class, frequency of class divided by width of class into value of one unit along the x-axis। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर विड्थ जैसे यहां तो कॉन्टिन्यूस है, यहां कॉन्टिन्यूस नहीं है, देखिए ध्यान से, जैसे 10 से 20 है, 20 से 40 है, विड्थ जो है डिफरेंट है, यहां 10 का डिफरेंस था, यहां 20 आ गई विड्थ, क्लास की विड्थ क्या आ गई, 20 आ गई, यहां क्या आ गई, 30 आ गई, यहां वापस से 10 आ गई, यहां वापस से 100 आ गई। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 5, अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, अपॉन विड्थ, विड्थ कितना है बेटा, 10, इनटू वैल्यू ऑफ वन यूनिट अलोंग, और वन यूनिट हमने कितनी मानी है, 10 यूनिट्स, तो 5 अपॉन 10 इनटू 10 कितना आ गया, 5। सिमिलरली अगले में फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 10, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4, 5, 4। देन अगले में देखिए फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, तो कितनी वैल्यू होगी, 4, सिमिलरली 1, सिमिलरली 2। ये मैंने क्यों किया, ताकि एरिया जो है
वो वेरी ना कर जाए, क्योंकि विड्थ अगर चेंज कर रही है तो एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि हाइट कितनी होनी चाहिए उस रेक्टेंगल की। ठीक है सर, तो फिर हमने क्या किया कि 10 टू 20 में 5 आया था, 20 टू 40 में 4 आए थे, 40 टू 70 के अंदर कितना आया, 5 आया था, एंड सो ऑन। मैंने ऐसे हाइट की डिफरेंस, देखो विड्थ तो सेम हुई नहीं, लेकिन अगर हाइट भी ज्यादा कर देता तो उसका एरिया और ज्यादा आ जाता, तो हम उससे डाटा निकाल नहीं पाते। इसीलिए हमने इनकी हाइट को कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज किया अकॉर्डिंग टू द विड्थ। अब अगर एरिया निकालोगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर आएगा। तो आप मुझे चेक करके बताइएगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इन दोनों क्लासेस में किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा आएगी। क्योंकि देखिए यहां से यहां है 20, हाइट कितनी है 4, 20 इंटू 4, यहां है 30 इंटू हाइट कितनी है बेटा 4, तो किसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा आई ये आपको चेक करके बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, जैसे आपको बताया था 20 इंटू 4 कितना है बेटा 80 एरिया आया, यहां 120 एरिया आया। ठीक है, तो जिसकी एरिया ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होनी चाहिए। तो वी कैन से 20 टू 40 वाले में फ्रीक्वेंसी कम आएगी सर, 40 टू 70 वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। यही चीज करने के लिए हमने क्या किया, एरिया को हाइट को रीडिफाइन किया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली पहले हमने बेटा एक ऐसा डाटा देखा जिसमें विड्थ जो था सेम था, लेकिन सर विड्थ अगर सेम ना हो तब क्या करें, तब हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिस्टोग्राम फॉर डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिसकंटिन्यूअस है उसको मैंने क्या किया, कंटिन्यूअस बना लिया, क्योंकि आपने ये चीज तो पढ़ी रखी थी ना, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम तो आपने बनाया था। अब डिसकंटिन्यूअस का बनाना है तो उसके लिए डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कवर कर लेंगे। तो देखिए यहां से ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको मैंने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया, और वो तो आपको आता है क्योंकि आप तो पूनिया जी के स्टूडेंट हो ना। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं। किस टाइप के होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसकी बात करते हैं बेटा। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्रॉन इन टू वेज। टू वेज में कौन कौन से वे है बेटा, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अगर या तो आपको हिस्टोग्राम बना हुआ मिल जाएगा या आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाना है, मेथड टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम, इसमें क्या होता है बेटा, पहले आपको हिस्टोग्राम बना लीजिए। ठीक है सर, ऑब्टेन, अभी फिगर आगे आएगा, ऑब्टेन द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द एज शोन इन द फिगर। ठीक है सर, देन यू विल अज्यूम दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ सेम विड्थ विद जीरो फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, इधर से समझ में आएगा कि आपने ये हिस्टोग्राम बना लिया, ये हिस्टोग्राम बना लिया। ठीक है सर, अब एक इससे पहले और एक इससे बाद में आप दो फ्रीक्वेंसी, दो क्लासेस अज्यूम करोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो है, तो जीरो है तो फ्रीक्वेंसी यहां रह जाएगी। ठीक है सर, देन क्या करोगे आप, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द अज्यूम्ड क्लास, मिड पॉइंट ऑफ द अज्यूम्ड क्लास। जैसे मान लो 10 से 20 क्लास है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 10 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 15, तो ये मिड पॉइंट क्या आ गया, 15 अज्यूम्ड क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपर हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ ईच रेक्टेंगल। क्या किया बेटा इसने, कि पहले तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए और ये अपर, ये जो अपर स्लाइड है इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दीजिए, जैसे ये सारे पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है सर, और देन कंप्लीट द पॉलीगन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स बाय द लाइन सेगमेंट्स एज शोन इन द फिगर। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट्स आए, इनको आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, बस खत्म, इतना सा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा अगर आपको हिस्टोग्राम गिवन है तो। अगर हिस्टोग्राम गिवन नहीं है तो
तो कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल है सर, ये तो सस्ता सा हो गया ना। कैसे बेटा? देखिए ध्यान से, एक कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम नहीं बनाना आपने, उसकी बिना उसके बनाना है। तो सिंपल है, कैसे बेटा? देखो, जैसे आपको पहले क्लासेस दे दी, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंटिन्यूस ना होता तो कंटिन्यूस बना लेते सर, कंटिन्यूस दिया हुआ है। अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले तो मैं क्या फाइंड करूंगा? क्लास मार्क्स फाइंड करूंगा। अभी देखो थोड़ा सा क्या हुआ कि स्लाइड ऐसे चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि आपके जो अच्छे से सर है ना, रक्षक सर, वो आ जाते हैं और फिर डांस वांस करने लग जाते हैं और फिर मस्ती वस्ती चलने लग जाती है और फिर वो वीडियोज दिखाने लग जाते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे बहुत बहुत तंग करते हैं यार मुझे। ठीक है, आइए तो वी विल टॉक अबाउट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस निकालेंगे। अब सर क्लास मार्क क्या होता है ये तो बता दीजिए, क्लास मार्क क्या होता है वो तो बता दीजिए, आपने क्लास मार्क तो बताया ही नहीं सर। देखिए अभी समझिए, रुको जरा, सब्र करा करो दोस्तों। हमने क्या किया, जो क्लासेस के बीच में पहले गैप चेक किया, तो सरों के बीच में गैप जो था वो क्या, 2 यूनिट्स का है। क्लास मार्क का मतलब क्या है, मिडल वैल्यू मान लीजिए आपके लिए। जैसे 4 और 6 इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 4 to 6 की 3 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वी टेक एन अज्यूम्ड क्लास 2 to 4, इससे पहले एक क्लास ले ली 2 to 4 हैविंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द क्लास 4 6 एंड अनदर फ्रीक्वेंसी अनदर क्लास 14 to 16 ऑन द राइट। अब इसके राइट साइड पे ले ली एक क्लास, वी टेक द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज क्लासेस टू बी 0, अगर नहीं दे रखी तो 0 अज्यूम कर ली। द क्लास मार्क ऑफ दीज टू क्लासेस आर 3 and 15। 3 और 15 का मतलब क्या हुआ, देखो क्लास मार्क का मतलब क्या हुआ, मिडल मोस्ट वैल्यू मान लीजिए उस क्लास की। जैसे 4 से 6 के बीच में मिडल मोस्ट नंबर कौन सा है, 5 है सर, हाँ सर ठीक है। 6 to 8 के 7 है सर, सिमिलरली 10 to 12 का 11 है, 12 to 14 का 13 है, 15 to 16 का सॉरी अगला कौन सा आएगा, 14 to 16 जो आएगा उसकी क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जो इससे पहले आएगा 2 to 4 उसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वही मैंने यहां पे मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इन क्लास मार्क्स को आप रिप्रेजेंट करना है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे आ जाते हैं, इस साइड तो क्लासेस और इस साइड फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे क्लासेस, ठीक है सर। जो 3 अज्यूम किया था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो पॉइंट क्या आ गया, 3, 0, तो पुराना ज्ञान वापिस आ गया, कौन से वाला, अरे वो पढ़ा था सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। तो 3, 0, 5, 3, 7, 2, 9, 4, 9 क्या है बेटा, क्लास मार्क, 4 क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे कोई ऐसा टेबल बना के देता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्लासेस रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस हमारे पे यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जाननी है तो आई कैन से क्लास हैविंग द क्लास मार्क एज 9 and 13 विल हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इज 4। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 ही तो थी, ये देखो 4 और 4 खत्म। तो हम यहां से ये आइडिया ले सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई आपने उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है सर, वो इंफॉर्मेशन आपको किस तरफ इशारा कर रही है या उससे सबसे पहले आप कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे, इसके मेजरमेंट के लिए हम इसको और इजी बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मीन, मोड एंड मीडियन। अब ये क्या होते हैं उसकी बात समझते हैं, पहले हम समझते क्यों पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक डाटा आया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना हुआ था, मेरे पास डाटा आया, मैंने उसको देखा, ठीक है। अगर उस डाटा की जगह, जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चों ने एग्जाम दिया, लेट अस अज्यूम उस डाटा में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाया, बार ग्राफ बनाया और मुझे दे दिया कि लो सर आप देखिए इसको, तो मैं उसको 2 मिनट लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे आप एक ऐसी वैल्यू बता दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि इस डाटा का मीन जो आया ना सर वो 10 आया,
तो मैं आइडिया लगा लूंगा कि 50 में से मेन 10 आ रहा है, मतलब क्लास के बच्चे बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास के बच्चे पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यहीं पे मीन ज्यादा आया या कोई ऐसा नंबर मुझे पता लग गया कि वो ज्यादा आया, तो उसको हम जैसे 40 आ गया तो मैं कह दूंगा हाँ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, तो मीन से आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन मीन होता क्या है सर? मीन इफ वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा विद वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, देन द मीन और एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन ही बोलते हैं, इज गिवन बाय सम ऑफ द डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सम ऑफ द डाटा दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? n ऑब्जर्वेशन। कैसे पता लगा? यहां पे लिखा हुआ था। इस चीज और मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? x बार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो वी कैन ऑल्सो राइट x बार एज, देखिए ध्यान से ये चीज मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, x बार इज इक्वल टू समीशन। ये साइन जो है बेटा समीशन का साइन होता है। समीशन का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ मैंने आई गोज फ्रॉम 1 to n एंड एक्स आई। समीशन का मतलब क्या होता है? सम। अगर इसी चीज को अपॉन एन, इसी चीज को अगर मुझे फॉर्मूला में लिखना है तो आई की वैल्यू पहले 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? x1। समीशन की वजह से +1 प्लस आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 प्लस x, आई की वैल्यू 2 तो x2 प्लस आई की वैल्यू 3 एंड कहां तक जाएंगे? अप टू n, तो xn अपॉन n। यही चीज, ये ऊपर वाला मतलब हो गया समीशन ऑफ xi अपॉन n। समीशन का मतलब आई होप सो समझ में आया होगा। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ xi अपॉन n। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी कैन से n इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi, फिर समीशन ऑफ xi का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है। यही क्या होता है? मीन होता है, एवरेज होता है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो तब है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेटा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देर आर 12 वैल्यूज ऑफ अ डाटा कैलकुलेटेड एज 19.5 द मीन ऑफ 12 वैल्यूज। एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 12। मीन कितना है? 19.25। ठीक है सर, इफ वन मोर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द डाटा, एक नई वैल्यू ऐड कर ली, लेट अस अज्यूम ए ऐड कर दिया, देन फॉर द 13 वैल्यूज ऑफ द न्यू डाटा द मीन बिकम्स 20। न्यू एक्स बार न्यू कितना हो जाएगा बेटा? 20। ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आया कि एक्स बार इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, तो पहले x बार कितना था? 19.25 इज इक्वल टू सम, हमें नहीं पता, अपॉन ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 12। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। कौन सा सम आया? पुराने नंबर्स का सम आ गया सर। यहां पे जो भी वैल्यू आई सम आ गया। ठीक है सर, देन आप क्या करोगे? देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है समझने की कोशिश करिए। अब आपने इसमें एक और नंबर ऐड किया तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 19.25 को या तो ऐसे कर लीजिए कि 19.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कैन आई से 38.5 आएगा, एंड 19.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192.5 आएगा। तो यही इन दोनों का सम आंसर होना चाहिए, 1 तो याद आएगा 1 9 3 2 231 सम आ रहा है बेटा, 231 सम आ रहा है सर। ठीक है, तो पहले इनिशियल सम कितना आया बेटा आपके पास? सम आया 231। ओके सर, कैलकुलेशन एरर है तो चेक कर लीजिएगा, वैसे होना नहीं चाहिए। 192.5 एंड 38.5 तो यह आ जाएगा 231। सही, 231 आया। अब आपने एक और सम नया नंबर ऐड कर दिया, दैट इज ए। तो अब सम, न्यू सम कितना हो गया बच्चे? न्यू सम
विल बी 231 प्लस ए। ठीक है सर, न्यू मीन कितनी है 20 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है एन कितना है 13। तो अब देखिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 20 न्यू मीन इज इक्वल टू सम न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 30 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा बेटा 260। कितना बेटा 260 इज इक्वल टू 231 प्लस ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी तक बात की आपने सर डिस्क्रीट डाटा की, अगर मान लो ग्रुप्ड डाटा आ गया तो हम कैसे मीन निकालेंगे? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं। या तो आपका ऐसा आएगा कि इसका हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पोलीगन कुछ भी बनाइए, या फिर ऐसा आएगा कि इस डाटा का मीन मोड मीडियन निकाल के बताइए। ठीक है, तो मीन की बात करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी गिवन है कि वैल्यूज पता है, x1 फ्रीक्वेंसी दे दी, f1, x2 f2, xn fn। देखिए ध्यान से, मुझे कोई बोल रहा है कि डाटा है 1 1 1 1, चार बार 1 है, 2 3 3 3 3 3 5 5, ऐसे डाटा है, इसका मीन निकालिए। तो एक तरीका तो जो अभी हमने पुराना किया था कि पहले सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसका सम जब निकालूंगा तो कैसे करूंगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 4 इंटू 1, यही तो हुआ सम। कितना है 4 और 4 इंटू 1, ये क्या है 4 इंटू 1 कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका सम आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, प्लस 3 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, प्लस 5 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स। तो अगर नंबर को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, और उनको सबको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा सर। और आपको तो एक्स बार निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपने सम कैसे निकाला, xi जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, जो ऑब्जर्वेशन थी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन इंटू फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन इंटू फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और उसका सम कर दिया। इसी चीज को बेटा मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है fi इंटू xi, वेयर i गोज टू 1 टू n, दैट इज fi इंटू xi। और अब सिंपल सा मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहा हूं, देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे हम 1 2 3 4 5 9 10 एंड 2 12, टोटल जितनी फ्रीक्वेंसीज आई उनके नंबर का सम किया तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गई। तो अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, तो एक्स बार विल बी इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। सिंपल, ऐसे मत करिएगा समीशन समीशन कर दिया एफ आई से एफ आई कर दिया एक्स आई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे मुझे एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया हुआ है, 3 जो है 7 बार आ रहा है, 4 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, 7 जो है 9 टाइम्स आ रहा है, 10 जो है 5 टाइम्स आ रहा है और 11 जो है वो 6 टाइम आ रहा है। तो अब आपको इसकी मीन निकालनी है, क्या निकालनी है मीन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स आई इंटू एफ आई, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक्स बार की वैल्यू क्या है, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही तो फॉर्मूला है। अब इसका समीशन निकालने के लिए पहले एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीपल तो चाहिए, दैट इज 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 5 20, 7 इंटू 9 63 50 और ये 66। तो अगर मैं यहां लिखूं तो यह आ जाएगा 21 प्लस 20 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 66, तो यह आ जाएगा बेटा 6 5 11 और 17 19 21 22, 2 4 10 15 21 और 1 22,
220 आना चाहिए, 220 अपॉन समीशन एफ आई, समीशन एफ आई। तो ये आ रहा ऊपर की साइड आ रहा है 220, समीशन एफ आई कैसे निकालोगे? समीशन एफ आई देखिए ध्यान से, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 9 इज 21, 21 प्लस 5 इज 26 एंड 6 इज 32। तो समीशन एफ आई कितना आ गया? अपॉन 32, 220 अपॉन 32 सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। समीशन एफ आई अपॉन समीशन, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई इज योर आंसर। नेक्स्ट इज बेटा, मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मीन पता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्यों? आपने सिर्फ इतना करना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है, इसको मैंने ए मान लिया। प्रोसेस वही करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 30 आ जाएगा, यहां पे 15 टाइम्स ए आ जाएगा, यहां पे 120 आ जाएगा और यहां पे 125 आ जाएगा। किसका टेबल बना लिया सर आपने? एक्स आई एफ आई का, प्रोडक्ट का। समीशन कितना आएगा बेटा? 2 प्लस 3 5, 5 5 10 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस ए। सम करना है, 10 प्लस 30 40, 160 एंड 125 इज 285, तो 285 प्लस 15A अपॉन 16 प्लस A इज इक्वल टू द मीन। यही आपका क्या होगा? मीन हो जाएगा। और अब मल्टीप्लाई करोगे तो A में एक इक्वेशन है और आंसर आ जाएगा, तो ट्राई करिएगा। अब बात करते हैं बेटा मीडियन की। मीडियन कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा बीच में नंबर हो उसी को मीडियन कहते हैं, अगर डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। आई एम रिपीटिंग कि द मीडियन ऑफ अ डाटा इज द मिडल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कि डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और मिस जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, वही आपका मीडियन होगा। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, ऐसे पांच डाटा तो लिखे गए हैं, कौन से में? असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो मिडल मोस्ट वैल्यू आपको पता है कि देखो एक दो यहां पे गए, एक दो यहां पे गए, तो सी इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। ये तो सर समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता ए बी सी डी ई और एफ, छह अगर डाटा होते तो मिडल मोस्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते आप, क्योंकि दो इधर से कैंसिल आउट करते, अब दो बच जाते। तो जब एन फाइव था, और यू कैन से फाइव था, तो मिडल मोस्ट वैल्यू आ गई, और यू कैन से एन ओड है तो सर इजीली निकाल देते हैं। लेकिन जब एन सिक्स हुआ, दैट इज इवन हो गया सर, तब दिक्कत हो रही है। एन अगर सिक्स हो गया बेटा, तब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है। एन सिक्स होने पे क्या निकाल रहे हैं? तो अगर एन ओड है, एन ओड है, जैसे इसमें फाइव था बच्चे, तो मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी आई? थर्ड। थर्ड कैसे निकाला? फाइव प्लस वन बाय टू, दैट इज सिक्स बाय टू, दैट इज थ्री। तो अगर एन ओड है, देन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन विल बी एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। वो क्या होगी आपकी? मीडियन। सिंपल बात कि अगर डाटा n ओड है तो n प्लस वन बाई टूथ जो ऑब्जर्वेशन है वही आपकी मीडियन होगी, और यू कैन से मिडल मोस्ट वैल्यू। लेकिन जैसे इस केस में देखो, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, ये डाटा दे रखा था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एन की वैल्यू 9 है, तो वी कैन से 9 प्लस 1 अपॉन 2th नंबर जो होगा, दैट इज 10 बाय 2th नंबर जो होगा, दैट इज 5th नंबर जो होगा, वो क्या है? मीडियन है सर। तो 1, 2, 3, 4, 5th नंबर जो है वो क्या है? मीडियन हो गया बेटा। मिडल मोस्ट वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगी, सिंपल। लेकिन अगर एन इवन है तो क्या करेंगे? जैसे n अगर इवन है, जैसे 10 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? एक तो n बाय टूथ एंड दूसरा
n बाय टू प्लस वनथ नंबर निकालेंगे और उन दोनों का मीन कर देंगे सर। क्या कर देंगे देखिएगा ध्यान से, n बाय टू एथ एंड n बाय टू प्लस वनथ नंबर जो होगा, ऑब्जर्वेशंस जो होंगी आर द टू मिडल मोस्ट नंबर। अब दो मिडल मोस्ट नंबर आए लेकिन ये तो मीडियन हो नहीं सकता, तो वी कैन से कि इसके अंदर मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, एन क्या आया, इवन आया, तो एक तो 10 बाई टू अर्थ नंबर निकाला, दैट इज फिफ्थ नंबर, एक उसके अगला सिक्स नंबर, तो फिफ्थ नंबर 14, सिक्स नंबर 17, इन दोनों का मीन ले लिया। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज 14 प्लस 17 अपॉन 2, दैट इज 31 अपॉन 2, दैट इज 15.5। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर 15.5 तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, फिर वो मीडियन कैसे हुआ। मीडियन आपको एक आइडिया दे रहा है, मीडियन आपको क्या दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है कि ये मिडल मोस्ट वैल्यू है। ऑल्दो मीन इज मच मोर यूजफुल देन मीडियन, बट मीडियन भी आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ ये डाटा का अप्रोक्सीमेट बीच की सी वैल्यू ये है। तो ये डाटा, जैसे अगर किसी की अप्रोक्सीमेट बीच की वैल्यू बहुत बड़ी होती तो मुझे पता लग जाता कि हाँ ये बीच की वैल्यू बड़ी है, तो इसके कुछ डाटा बड़े होंगे, कुछ डाटा छोटे होंगे, समझ रहे हो ना। अगर मान लो मुझे ऐसा पता लग जाता कि इसका मीडियन 2000 है, तो मुझे समझ में आ जाता कि 2000 से भी बड़ी वैल्यू है, 2000 से भी छोटी वैल्यू है, समझ में आया। सिमिलरली एक थर्ड पार्ट और होता है बेटा, थर्ड पार्ट जो है वो है मोड। मोड क्या होता है बेटा, मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। जो सबसे बार ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो मोड कैसे निकालेंगे, सिंपल, आप ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करिए और फ्रीक्वेंसी सबके सब जिसकी ज्यादा है वो क्या होगा, वो मोड होगा। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मीडियन, तो क्या मैं देखूं ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल 12 नंबर है, तो एन क्या है, इवन है सर, तो यू कैन से एन बाय टू सिक्स एंड सेवंथ नंबर जो होगा उनका मीन जो होगा दैट विल बी योर मीडियन। कौन से, सिक्स और सेवंथ, कैसे निकाला मैंने, एन बाय टू टू एथ एंड एन बाय टू प्लस वन एथ, दैट इज 12/2, सिक्स प्लस वन सेवंथ, तो सिक्स एंड सेवंथ नंबर का मीन। लेकिन पहले डाटा किसमें अरेंज करिए सर, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा डाटा ढूंढिए इसमें, सबसे छोटा डाटा कहना इसे 24 ही है सर, और कोई छोटा है, पहले 24 आ गया सर, फिर 27, उसके बाद सर 35, फिर एक बार फिर 35, उसके बाद सर 39, देन देयर इज 43, देन देयर इज 48, then 52 58 62 58 60 61 62, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। डाटा को मैंने क्या अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ सिक्स्थ डाटा, 1 2 3 4 5 6, दो दो चार, सिक्स्थ एंड सेवंथ डाटा, तो 43 एंड 48 जो आया, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो 43 प्लस 48 अपॉन 2 कितना आ गया, 45.5, तो मीडियन क्या आ गया इस डाटा का, 45.5। सिंपल इजी क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, आंसर बताइएगा मोड क्या है इस डाटा का। एंड लास्ट इज मोड ऑफ दिस डाटा, ये होमवर्क है आपका, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा चैप्टर था, देखिए आपको लग रहा होगा चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़े सस्ते आते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाऊं इस चैप्टर पे, बट अभी के लिए ये चैप्टर इतना ही।
टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया हमने चैप्टर। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फन चलता रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।